उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा कि अब इन्होंने क्या किया। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है और काम इतना बड़ा किया है कि सीधे प्रधानमंत्री इनके टारगेट पर हैं। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और नीतीश कुमार अलग थलग पड़े हुए थे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने उनका कमान संभाला, उनके साथ खड़े हुए और उन पर हमला करने वाले लोगों को एक एक करके जवाब देना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हमला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के MLC टुन्ना पांडे, उनको पार्टी से निकलवा दिया। बात यहीं नहीं रुकी, भारतीय जनता पार्टी ने निकाल तो दिया लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ जदयू का, और नेता कुछ बोलें या न बोलें लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इतना जरूर कर दिया कि पार्टी में खलबली मच गई और भी नेता सामने आकर के इस मामले पर अपनी बात रखने लगे। संजय सिंह ने तो उंगली काटने तक की बात कर दी, जिस पर रिएक्ट भी करना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को, और खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को ये पूछना पड़ा कि क्या अब हाथ काटेंगे। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद बात और आगे बढ़ गई, और जब बात आगे बढ़ी तो सीधी तौर पर आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब नीतीश कुमार एक बार फिर घिर गए तो उन्होंने अब अगला कदम जो उठाया वो सीधे प्रधानमंत्री को अलर्ट किया है। प्रधानमंत्री को मैसेज करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार पर उंगली उठाने से पहले तय करना होगा कि नीतीश कुमार के विकास पर आपको संदेह है, अगर संदेह है तो आपने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों दी। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें लिखी है वो बातें आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से अब खुल करके सामने आ गए हैं। इसके परिणाम क्या होंगे, क्या बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा, विशेष कुछ पैकेज मिलेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ विशेष रूप से और परमानेंटली संबंध विच्छेद होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी में सीधे तौर पर PMO श्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी बिहार झारखंड विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार दंश के बावजूद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है। अब यहाँ आपको रोकते हैं, हम लिखा तो और आगे उन्होंने है, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि यही उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनको आज से एक साल पहले, दो साल पहले नीतीश कुमार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री लग रहे थे, और केंद्रीय योजनाओं को नहीं लागू करने का उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर भयंकर आरोप लगाया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि NDA में रहते हुए उनके विभाग के जो कार्य थे, केंद्रीय विद्यालय खोलने की जो अनुमति थी उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तक नहीं दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे बदलती है राजनीति में और आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है, आपकी भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है। उपेंद्र कुशवाहा अब पूरी तरह से भक्ति में आ गए हैं, नीतीश कुमार की भक्ति में, वो किसी को कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं। आपको बता दें कि आगे उन्होंने लिखा है कि लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। आप समझिएगा, सीधे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर ये आरोप है कि आप साथ नहीं दे रहे हैं, इसके चलते ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है, अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की JDU की वर्षों लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें। अब इस न्याय देने और JDU की मांग पर संशय जरूर आपको होगा, क्योंकि ये मांग तो राबड़ी देवी के शासनकाल में आया उठाया गया था और पूरे बिहार के नेताओं ने इसका समर्थन किया था। ये ठीक है कि अब JDU कई बार उठा चुकी है, लेकिन ठंडे बस्ते में भी डालने का पूरा श्रेय JDU को और नीतीश कुमार को ही जाता है। ऐसी स्थिति में जब जब बिहार पिछड़ता है तो नीतीश कुमार और उनके लोगों को, उनके करीबियों को विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब जब गर्दन तक पानी आता है तो डूबने का एहसास होते ही छटपटाहट शुरू हो जाती है, अब ये किसके लिए लागू होता है आप खुद समझ सकते हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने छेड़ तो दिया है, अभी देखना होगा कि इस राग को
कैसे एक्सेप्ट करती है भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री को सीधे टारगेट किए जाने, केंद्र सरकार को टारगेट किए जाने के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि बहुत सारी खबरें अभी आनी बाकी हैं। बिहार में हो रहे उथल पुथल पर हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।